नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजा ज्योतिष से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आने वाला हफ्ता यानी कि 2 फरवरी 2020 से 8 फरवरी 2020 तक हर एक राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वाले के लिए रविवार के दिन शुभ रहेगा। सोमवार के दिन कोई भी व्यक्तिगत विषय पे बरोस के साथ बात करना चाहिए। मंगलवार के दिन ज्यादा व्यय होगा। बुधवार के दोपहर के बाद से शुभ परिवर्तन दिखाई देता है। गुरुवार के अंदर खुद का जितना सारा जरूरी काम है उसको शेष करने का कोशिश कीजिए। शुक्र और शनिवार के दिन आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। वृषभ राशि वाले रविवार के दिन शारीरिक असुविधाओं को सहेंगे। सोमवार के दिन से बुधवार दोपहर तक अत्यंत शुभ रहेगा, लेकिन बुधवार दोपहर से शुक्रवार दोपहर तक आपके लिए अशुभ रहेगा, इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। शुक्रवार दोपहर से शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। शनिवार के दिन आपको किसी से सहायता प्राप्त जरूर होगा। मिथुन राशि वाले के लिए रविवार से बुधवार दोपहर तक थोड़ा अशुभ रहेगा। बुधवार दोपहर के बाद से शनिवार तक शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कर्क राशि वाले के लिए रविवार के दिन शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जो बुधवार दोपहर तक जारी रहेगा। बुधवार दोपहर के बाद से शारीरिक दिख से थोड़ा सावधानी परखे। शनिवार के दिन के बाद से शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सिंह राशि वाले के लिए रविवार के दिन आर्थिक दिख से शुभ होगा। सोमवार के दिन कोई व्यक्ति से आपको सहायता मिलने वाला है। मंगल से शुक्रवार तक आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार से थोड़ा अशुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। कन्या राशि वाले के लिए रविवार के दिन अशुभ रहेगा। सोम और मंगलवार के दिन बाधाएं होने के बावजूद भी वो खुद के काम शेष कर सकेंगे। बुधवार दोपहर के बाद से शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। गुरुवार से शनिवार तक कन्या राशि वाले के लिए शुभ रहेगा। तुला राशि वाले के लिए रविवार के दिन शुभ रहेगा, सोमवार के दिन अशुभ होगा, इसीलिए थोड़ा सावधानी परखे। मंगलवार से शुक्रवार तक अशुभ, इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। शनिवार के दिन से तुला राशि वाले के लिए शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वृश्चिक राशि वाले के लिए रविवार के दिन मन को शांत रख के परिस्थितियों को संभालना चाहिए। सोमवार के दिन शुभ रहेगा, मंगलवार के दिन से लेके बुधवार तक अत्यंत शुभ रहेगा, इसलिए बुधवार के अंदर ही अपना जरूरी काम को शेष करने का प्रयास कीजिए। गुरुवार के दिन स्थितिशील रहेगा, लेकिन शुक्रवार और शनिवार के दिन थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये दो दिन आपके लिए अशुभ रहेगा। धनुराशि वाले के लिए रविवार के दिन ज्यादा परिश्रम होगा। सोमवार से गुरुवार तक शुभ रहेगा, इसलिए जरूरी काम को शेष करने का प्रयास कीजिए। गुरुवार से शनिवार तक थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। मकर राशि वाले के लिए रवि और सोमवार के दिन अशुभ रहेगा। मंगलवार के दिन अपने मन को शांत रखकर अपने जितना सारा जरूरी काम है उसको शेष करने का प्रयास कीजिए। बुधवार दोपहर के बाद से शुभ परिवर्तन जो शनिवार तक रहेगा। कुंभ राशि वाले के लिए रविवार के दिन किसी से सहायता प्राप्त होगा। सोमवार से बुधवार तक थोड़ा अशुभ प्रभाव दिखाई पड़ता है। गुरुवार के दिन ज्यादा व्यय होने का संभावना है। शुक्रवार के दिन अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। शनिवार के दिन स्थितिशील रहेगा। मीन राशि वाले के लिए रविवार के दिन अशुभ रहेगा। सोमवार के दिन किसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मंगलवार के दिन मन को शांत करके अपने जरूरी काम को शेष कीजिए। बुधवार से शनिवार तक अशुभ, इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए।